आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क होगा, और जिस तरीके से बांग्लादेश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए उसी तरीके से बलूचिस्तान में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से भारत की यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करे और पाकिस्तानी अफवाज के अंदर, पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो एक जज्बा है उसको कम करे, जिसके लिए बहुत सारे अटैक्स भी किए गए, दहशत गर्दों को पाकिस्तान में भेजा भी गया, दहशत गर्दों को सपोर्ट भी किया गया, और अब बलोचिस्तान के अंदर भी मुसलसल ये सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कल परसों जो है पाकिस्तान के मेजर समेत 5 फौजी अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए थे। माइंस के ऊपर गाड़ी आई और उस गाड़ी के ब्लास्ट होने के नतीजे में हमारे मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए, और उसी दौरान जब ये वाकया रोनुमा हुआ उसी दौरान भारत में एक भगोड़ा, एक भारत की फौज से भागा हुआ 2 टके का गाय के मूत पे पलने वाला मेजर गौरव आर्या, जिसने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तानी अवाम पर दिन रात बकवासबाजी करता है, अपने एक टीवी शो के अंदर कह रहा था उसी दौरान कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीरियों का साथ देना ना छोड़ा, कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करना ना छोड़ा, तो बलूचिस्तान से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता हाथ धोने पड़ेंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान से कितना प्यार करता है, पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान कितना अहम है, और पाकिस्तान की बका के लिए बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहना कितना जरूरी है ये पूरी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक्स जो हैं भारत में किए जाते हैं। तो मैं इस भगोड़े किस्म के, ये जो 2 टके का एक फौजी है, भारतीय फौज का मेजर भाग कर गया हुआ है पाकिस्तानी फौज से, डर कर भाग कर इसने फौज छोड़ दी, इसकी हकीकत इतनी सी है, ये पाकिस्तान को बैठकर अपने यूट्यूब के ऊपर धमकियां देता है, और इसने जब ये धमकी दी कि अगर कश्मीर में हालात ठीक ना हुए तो बलूचिस्तान से पाकिस्तान को हाथ धोने पड़ेंगे, तो उसी दौरान जो एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं अशोक स्वाइन, उन्होंने इसको जवाब देते हुए, इसको इसकी औकात याद करवाते हुए बताया कि भैया तुम पाकिस्तान में बाद में हमले करना, बलूचिस्तान में तुम बाद में शोरश बर्पा करना, पहले अपने घर का तो नजारा कर लो, पहले अपने गरेबान में तो झांक लो, क्योंकि अगर पाकिस्तान भी बदला लेने पर आया, अगर पाकिस्तान ने भी तुम्हें सबक सिखाने के का जो है वो अजम कर लिया, तो याद रखना कि 8 सेकंड के अंदर पाकिस्तान भारत को, भारत के गरूर को मट्टी में मिला सकता है, खाक में मिला सकता है। इसके अलावा सिर्फ 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान भारत का जो दिल समझा जाता है दिल्ली, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर सकता है। तो ये जो मेजर गौरव आर्या है जो दिन रात बकवासबाजी करता है पाकिस्तान के ऊपर, इसको इसकी ये औकात जो है ये याद रखनी होगी। और इसके साथ साथ मैं इस मेजर गौरव आर्या को और भारतीय अवाम को कुछ हकायक बताना चाहूँगा, भारतीय फौज के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो ये मेजर गौरव आर्या कभी नहीं बताता, जो ये मेजर गौरव आर्या कभी सामने नहीं लाता कि इनकी अपनी फौज की हालत कितनी ख़राब है, इनकी फौज के अंदर बगावत किस हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा आप सिर्फ यहां से लगा लें कि 2010 से 2019 तक भारतीय फौज के 1100 से ज्यादा ऑफिसर्स और एहलकारों ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तनख्वाहें उनको टाइम पर नहीं मिलती थी, और वो घर नहीं जा सकते थे, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए खुदकुशी कर ली 1100 से ज्यादा फौजियों ने। अगस्त 2019 में कश्मीरियों को मारने वाले एम अरमन ने कश्मीर में ही खुदकुशी कर ली, और उसने जो लेटर छोड़ा उसमें उसने यही लिखा कि हम रोज़ आते हैं इनके साथ लड़ते हैं, हम भी मरते हैं, ये भी मरते हैं, हमें इतना अरसा हो गया इनके साथ जंग करते हुए मगर कामयाबी नहीं मिली, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने घरों से दूर हैं, तो इनके साथ रोज़ लड़ने पर और रोज़ बेगुनाहों को मारने से अच्छा यही है कि एक ही बार खुद को ख़त्म कर लिया जाए और खुदकुशी कर ली जाए। 2017 में 442 भारतीय फौजी आपस में लड़के मरे मुख्तलिफ वाकयात के अंदर। 2017 के अंदर 442 फौजी ऐसे थे जिन्होंने मुख्तलिफ तनाज़ात की बुनियाद पर, ऑफिसर्स भी थे एहलकार भी थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया और खुदकुशी कर गए। और इनकी इन झगड़ों की जहनी परेशानी की सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि जब ये बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं, जब ये बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, चाहे वो भारतीय मुसलमान हों या कश्मीरी लोग हों, उन पर जब ये मजालिम करते हैं तो इनका जो जहनी सुकून होता है वो खराब बर्बाद हो जाता है। तो ये उस जहनी सुकून की बर्बादी के बाद अपने जो दूसरे एहलकार होते हैं उनके साथ छोटी छोटी बात पर झगड़े करते हैं और फिर कुत्ते की मौत मर जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ना इनको शहीद कहा जा सकता है भारतीय फौज की जानिब से, ना इनको कोई एजाज दिया जा सकता है, बल्कि ये मुर्दार होते हैं। और ये मेजर गौरव आर्या के मुंह पर अगर वो फील करे, वो बेशरम बेगैरत इंसान फील करे, तो उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसका निशान सारी जिंदगी नहीं मिट सकता। इसके अलावा 2017 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डी एस
हुदा ने कश्मीर में नाकामी का एतराफ किया था और उसने कहा था कि हमारी फौज उन बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों से बुरी तरह हार रही है, 10 लाख से ज्यादा फौज हमने वहां डिप्लॉय की हुई है, मगर उसके बाद भी ना हम वहां के लोगों के दिल जीत सके हैं और ना वहां का कोई इलाका जीत सके क्योंकि हमें मज़ाहमत का सामना है। तो ये मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तानी फौज के ऊपर बकवासबाजी करने से पहले या भौंकने से पहले याद रखना चाहिए कि आपके जो कश्मीर में फौजी हैं वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि उनकी जो जीत है वो किसी सूरत सामने नहीं आ सकती है, वो कभी भी जीत नहीं सकते हैं। 2017 में तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी और उसमें बताया कि जी हमें तो खाना ही नहीं दिया जाता, हमें तो रोटी ही नहीं दी जाती है। तो ये जो मेजर गौरव आर्या है जो पाकिस्तानी फौज के डर से भाग गया था अपनी फौज से, इस बेगैरत को कोई जाकर बताए कि तुम्हारी फौज की हालत तो ये है कि तुम्हें तो रोटी ही टाइम पर नहीं मिलती है, तुम्हें तो अच्छा खाना ही नहीं मिलता, तुम पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने आओगे या तुम पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दोगे या तुम बलोचिस्तान पर कब्जा करोगे, अपनी औकात और अपना गरेबान तो पहले देख लो। मार्च 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय फौज की खराब हालत और नाकामियों के अलावा यह भी बताया कि भारतीय फौज के अंदर कितनी बेचैनी है, भारतीय फौज को जो सहूलियात हैं वो किस हद तक नहीं दी जा रही और इसके साथ साथ भारतीय फौज में जो खुदकुशी का रुझान है वो आने वाले वक्त में मजीद ज्यादा हो जाएगा। आपके मेजर गौरव आर्या साहिबा, आपके तो हकाइक, आपके फौज के बारे में जो हकाइक हैं वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही बता दिए, अगर अब भी आपको शर्म या आपको गैरत नहीं आई है तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बलूचिस्तान के ऊपर हमले करने की साजिश करते हो या आप कहते हो कि बलूचिस्तान की आवाम को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाएगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके भारत की कितने शहर हैं, कितने सूबे हैं, कितनी रियासतें हैं जो आपकी हकूमत से आपकी फौज से अलहदगी चाहते हैं और आपकी फौज की औकात नहीं है, आपकी फौज में इतना दम खम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुल्क के उन इलाकों में जाकर दिखाओ, अपने मुल्क के उन इलाकों में जाकर ऑपरेशन करके दिखाओ। हमने मालाकंड, सवात जितने भी इलाके थे हमारे, वजीरिस्तान थे, हमने वहां जंग की है, आपके पाले हुए बेगैरत बेशर्म दहशत गर्दों को मारा है और वहां अमन कायम कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा आपके इलाके अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत या शर्म हुई तो अपने फौजियों को वहां भेजने की जरा हिम्मत तो कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों का हशर क्या होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।